चलिए अब शुरुआत करते हैं अन्य खबरों की, जहां एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने भोपाल से दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जेबीएम आतंकी संगठन के सदस्य हैं दोनों आरोपी, और दोनों पर जेबीएम के विचारों को फैलाने का आरोप लगा है। बड़ी और अहम जानकारी बता दें, जहां बांग्लादेश के रहने वाले हैं ये दोनों आतंकी, और भारत में जिहादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे ये दोनों आरोपी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको, एनआईए की गिरफ्तारी में दो आतंकी आए हैं, जहां बड़ी सफलता एनआईए की टीम को हाथ लगी है। एनआईए ने भोपाल से दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जेबीएम आतंकी संगठन के सदस्य बताए जा रहे हैं ये दोनों आरोपी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन दोनों आरोपियों पर जेबीएम के विचारों को फैलाने का आरोप है। और बताते चले कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं ये दोनों आतंकी, भारत में जिहादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे ये दोनों आरोपी। नगरीय निकाय चुनाव आने के बाद पालिकाओं और परिषदों पर अध्यक्ष बनाने पर सियासत तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष बनाने में कांग्रेस से काफी आगे खड़ी दिखाई दे रही है, ये रिपोर्ट देखिए। नगरीय निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद अब प्रदेश में लगातार नगर पालिकाओं और परिषदों में अपने अध्यक्ष बनाए जाने के प्रयास चल रहे हैं। हालांकि पालिकाओं और परिषदों में अध्यक्ष बनाने में बीजेपी कांग्रेस से कई आगे चल रही है। प्रदेश में अभी तक जितनी भी नगर पालिकाओं और परिषदों में चुनाव हुए हैं, उनमें से 90% स्थानों पर बीजेपी समर्थित अध्यक्ष बने हैं। जिन स्थानों पर बीजेपी के पार्षद कम थे, वहां पर भी बीजेपी ने जोड़ तोड़कर अपने अध्यक्ष बना लिए हैं। नगरीय निकायों में अधिकांश स्थानों पर बीजेपी के अध्यक्ष बन रहे हैं। सिंगरौली, ग्वालियर में बीजेपी भले ही महापौर का चुनाव हारी, लेकिन सभापति बीजेपी का बना। मंत्रियों को निगम अध्यक्ष, पालिकाओं और परिषदों में बीजेपी का अध्यक्ष बनवाने की जिम्मेदारी दी गई। कुछ स्थानों पर बीजेपी के नेताओं में ही टकराव दिखाई दे रहा है। कांग्रेस तो पहले ही मुश्किल में थी, किन्हीं चूकों के कारण कुछ नाम मात्र लेश मात्र को उनको सफलता जरूर मिली है, लेकिन वो जीत उनकी दुर्घटना है, हादसा है, जनादेश नहीं। और नगर पालिका नगर परिषद के परिणाम स्पष्ट बताते हैं, 231-255 में से नगर परिषद, 76 में से 65 नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने जा रही है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी जिस तरह प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, उसका जवाब जनता विधानसभा चुनाव में देगी। किस ढंग से मतदाताओं को टेंडर वोटिंग भाजपा के नेताओं से उनके नाम पर कलेक्टर ने आदेश निकाल कर दी झूठे शपथ पत्रों के आधार पर, किस ढंग से 420 का केस लगाकर उनको फॉर्म तक नहीं भरने दिया, पुलिस छावनी बना दी गई मतदान स्थलों को, 150 गज दूर मतदान स्थल बदल दिए गए। नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को काफी अच्छी टक्कर दी थी। छोटे शहरों में बीजेपी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर कांग्रेस से इसका हिसाब बराबर कर लिया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इन चुनावों का कितना असर विधानसभा चुनावों पर आता है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और आदिवासियों को लेकर प्रदेश में चल रही राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अब कांग्रेस आदिवासियों को साधने की तैयारी कर रही है, ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आदिवासियों को साधने में कोई दल पीछे नहीं रहना चाह रहा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर पतालपानी जाकर टांटिया भील को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के आदिवासी कार्ड से कांग्रेस झटका खा चुकी है। विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस का ये आयोजन कर रही है। कमलनाथ टांटिया भील के समाधि स्थल पतालपानी जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से विश्व आदिवासी दिवस पर कोई आयोजन नहीं किया जा रहा है। बीजेपी बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासियों का कार्यक्रम करेगी। नगरीय निकाय चुनावों में आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस को काफी झटका लगा है, यही कारण है कि कांग्रेस अब पूरा फोकस आदिवासी क्षेत्रों में कर रही है। चुनावी तौर पर साधने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। माननीय कमलनाथ जी उस कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में हैं जिसने भारतीय संविधान